हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एप्सन L3150 में इंक रिफिल कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं ये एप्सन का इंक टैंक है, मॉडल नंबर है L3150। इसमें एलो, मैजेंडा और सियान कलर तीनों ख़त्म हो चुके हैं और ब्लैक हमारे पास अभी है, तो हम ब्लैक कलर को रिफिल नहीं करेंगे। अभी हमारे पास तीन कलर हैं, मैं आपको दिखा दूं, सियान, एलो और मैजेंडा। मैं इनकी MRP भी आपको दिखाऊंगा। मैंने ये मार्केट से परचेज़ किए हैं। यह है सियान कलर और इसकी MRP आप देख सकते हैं, 449 रुपये है। यह है एलो, इसकी MRP 600 रुपये है। इसकी MRP है 449 रुपये। चलिए आपको दिखाते हैं कि इसको एप्सन प्रिंटर में रिफिल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिफिल करना बहुत ही सरल है। अब हम इनको रिफिल करेंगे। एलो कलर को ओपन करेंगे, इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लिया। इस एप्सन प्रिंटर की खास बात यह है कि अगर आप बोतल को ऐसे करके उल्टा कर देते हैं तो इसका कलर बाहर नहीं आएगा। देखिए, मैं हिला रहा हूँ फिर भी नहीं आता। कोई सा भी कलर आप लेंगे, इसकी बॉटल को अगर आप ऐसा उल्टा करेंगे तो कलर गिरने की कोई दिक्कत नहीं, कलर एक भी बूंद आपका बाहर नहीं आएगा। ये सबसे अच्छी बात है। जब तक हम इस बोतल को इंक टैंक के अंदर इसको नहीं फंसाएंगे तब तक इसका कलर बाहर नहीं आएगा। और अगर आपका इंक टैंक आधा भरा हुआ है तो ये ओवर भी नहीं होता, जितना इसमें जगह रहेगी उतना ही इससे कलर निकलेगा। तो चलिए हम इसको फंसा देते हैं बोतल को। तो बोतल को कैसे फंसाना आप देख सकते हैं, इसमें एलो को एलो कलर में ही फंसाना है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। अभी आप देखेंगे कि एक मिनट के अंदर कलर फिल हो जाएगा। देखिए, लेवल बढ़ने लगा, पहले लेवल नीचे था अब बढ़ने लगा, ये आप देख सकते हैं लेवल इसका ऊपर आ गया और बोतल भी ये खाली हो गई, इतनी हो गई बोतल। इसमें ये नहीं है कि अगर आपके पास आधा कलर पहले से ही भरा हुआ है और अगर आप आधी बोतल ही भरना चाहते हैं तो आधी भी भर सकते हैं, वो अंदर जाएगा ही नहीं, बच जाएगा बोतल में ऑटोमेटिक। हम बोतल को निकाल लेते हैं, हमारा जो टैंक है वो फुल हो चुका है और अभी इसमें कुछ कलर बच गया है। देखिए, मैजेंडा कलर को रिफिल करेंगे, बोतल को ओपन करेंगे। टैंक बॉक्स को ओपन करेंगे, इसको लगा देंगे, ये बोतल लग गई है। ये कलर का लेवल ऊपर जा रहा है, चलिए हमारा कलर भर चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और ढक्कन को पैक कर देंगे ताकि कलर सूखे नहीं, और हम इसको भी पैक कर देते हैं, इसको भी पैक कर देते हैं। अब हम सियान कलर भरेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, इसका ढक्कन ओपन करते हैं। इसके बाद हम इस बोतल को सीधा इसमें लगा देंगे, देखिए फ्रेंड्स, हमारे तीनों कलर फिल हो चुके हैं। अब हम बोतल को निकाल लेंगे और इसके बाद इसको पैक कर देंगे। इसके बाद हम इंक टैंक को भी बंद कर देंगे, हमारे तीनों कलर फिल हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना एप्सन प्रिंटर के अंदर कलर फिल कैसे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।